हाय गाइस, वेलकम टू डेली लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय के बारे में जिसका नाम है गो गो फिशिंग। आई एम श्योर हम सब ने भी बचपन में कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक गेम ज़रूर खेली होगी। वो होती थी ना एक गेम जिसमें मैग्नेट लगा होता था फिश के आगे और फिशिंग रॉड मिलती थी, उसके आगे भी एक मैग्नेट रिंग होती थी। हम एक पॉन्ड बनाते थे और आइस बंद करके अपनी अपनी फिशेज़ को पिक करते थे। उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे ये गेम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर अब मैं आपको एक बार बॉक्स खोल के दिखाती हूँ और फिर हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। तो ये हमें एक फ़िशिंग पॉन्ड मिला है जो कि टू लेयर्स का है। आप पॉन्ड को देखेंगे तो देखेंगे कहीं पे भी इसमें जो है शार्प एजेस नहीं है, राउंड शेप का ये है, तो बच्चों को देने के लिए काफ़ी सेफ है ये। इसके अलावा आपको इसमें फ़िशेस मिलेंगी अलग साइज़ की, जो मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगी, और फ़िशिंग रॉड मिलेंगी। इसके अंदर अब हम फ़िश लगाएंगे। फ़िशेस की बात करें तो हमें 26 फ़िशेस मिली हैं। 10 स्मॉल फ़िशेस हैं जिनके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है और 16 उससे थोड़ी सी बड़ी फ़िशेस हैं मीडियम साइज़ की जो कि नॉन मैग्नेटिक है। 4 फ़िशिंग रॉड्स हैं जिनके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात जो हमें इस पॉन्ड की लगी वो ये थी कि इसका म्यूज़िक बहुत सूदिंग है, मतलब बिल्कुल भी कानों में नहीं चुभता। और जो लाइट इसमें आती है वो भी बहुत सूदिंग है, बहुत अच्छा एक एक्वेरियम टाइप का फील आता है। कॉन्सेप्ट इस पूरी जो गेम है इसका ये है कि जब हम ये पॉन्ड ऑन करेंगे तो ये पॉन्ड पूरी तरह रिवॉल्व होगा, रोटेट होगा। इसमें जो फिशेस हम रखेंगे वो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह ओपन करेंगी और उन्हीं थोड़ी देर में हमें उसे कैच करना है। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये गेम खेलने में। एज अ फैमिली भी अगर आप ये गेम खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप अलग अलग रूल्स बना सकते हैं कि कौन ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिशेस निकाल रहा है, कौन सेम कलर ऑफ़ फिशेस निकाल रहा है। इस तरह से एक अच्छी फैमिली गेम भी बन सकती है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें 3 AA बैटरीज लगती हैं। हमें बैटरी साथ में नहीं मिली थी, हमने अलग से बाय की थी। हमारे पास इससे पहले भी सेम यही गेम था। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हमने उस गेम को यूज़ किया। अब वो टूट चुकी थी और बच्चों का इंटरेस्ट इस गेम में उतना ही था, तो हमने दोबारा से इस गेम को ऑर्डर किया और हमें ऐसा लगा कि इस गेम का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस गेम की बात करूँ तो ये जो गेम है ये बच्चों के हिसाब से उनके फाइन मोटर स्किल्स को इन्हेंस करती है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इन्हेंस करती है। बच्चों के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी सेल्फ एंगेजिंग गेम है। अगर आप उन्हें दे देंगे तो 20-25 मिनट्स अच्छे वो इस पर स्पेंड कर लेंगे, और अगर आप एज अ फैमिली भी इसे प्ले करते हैं तो भी आपको बहुत मजा आने वाला है। एज की बात करें तो 3+ ईयर्स के बच्चों के लिए ये गेम बनाई गई है। हमने ये गेम Amazon से बाय की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जस्ट इन केस यू नीड टू बाय इट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके पास भी सेम ऐसा ही गेम है जिसको आप अपने बच्चों के साथ प्ले करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉय का, किसी और गेम का रिव्यू करें या उसको अनबॉक्स करके आपको दिखाएं तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।